चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मिशन में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है, लेकिन इसमें एक ऑर्बिटर शामिल नहीं है। प्रणोदन मॉडल एक संचार रिले उपग्रह के रूप में कार्य करता है और लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को तब तक ले जाता है जब तक कि अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक नहीं पहुंच जाता। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान आने वाली चुनौतियों के बाद जहां आखिरी मिनट की गड़बड़ी के कारण लैंडर चंद्र कक्षा में प्रवेश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसरो ने आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और चंद्र मिशन का प्रस्ताव रखा। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए आवश्यक सफल लैंडिंग को प्रदर्शित करना है, जो जापान के साथ 2025 के लिए निर्धारित साझेदारी है। मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 IST पर, जो मिशन के पहले चरण की शुरुआत थी। इसे 14 जुलाई 2023 को SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। अंतरिक्षयान को 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण का अनुसरण करता है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल था। रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 में चंद्र सतह पर टच डाउन करना था। लैंडर के असफल लैंडिंग के बावजूद इसरो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए सॉफ्ट लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्रयान 3 मिशन की वास्तुकला। चंद्रयान 3 मिशन की वास्तुकला में एक प्रोपल्शन मॉडल, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। प्रणोदन मॉडल चंद्र कक्षा तक पहुंचने तक लैंडर और रोवर को ले जाता है। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार है और अपने साथ इन सीटू विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण भी रखता है। कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल से सुसज्जित रोवर एक चंद्र दिवस के अपने अपेक्षित जीवन काल के दौरान 500 मीटर की दूरी तय करते हुए चंद्र सतह पर पता लगाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य। इसरो ने चंद्रयान 3 को मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य तय किए हैं। सबसे पहले इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग हासिल करना है। दूसरे इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर रोवर की गतिशीलता को प्रदर्शित करना है। अंत में मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी और अन्य संरचना पहलुओं का विश्लेषण करते हुए इन सीटू वैज्ञानिक अवलोकन करना है। चंद्रयान 3 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यह मिशन चंद्रमा की सतह की संरचना, पानी में बर्फ की उपस्थिति, चंद्रमा पर प्रभाव के इतिहास और चंद्रमा के वायुमंडल के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चूंकि इसरो चंद्र अन्वेषण में लगातार प्रगति कर रहा है, इसीलिए इस मिशन से चंद्रमा की संरचना की हमारी समझ और पृथ्वी के खगोलीय पड़ोसी के बारे में हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। जय।